विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें अगला बिंदु ये है जो कहता है कि पारस्परिक व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के प्रति। अब ये पारस्परिक व्यावसायिक संबंध किन लोगों के बीच में बनाया जाना, मतलब दो व्यवसायियों के बीच में बनाना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो व्यवसायी है उनके बीच किस तरह के संबंध है, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता ये इसका मुख्य कारण है ना, कि ये सब क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो चुके हैं मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, है ना। क्या है, मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, अलग अलग उपायों का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरीके से अपने उत्पाद या सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाने का एक रास्ता ढूंढते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट या सर्विस, यानी उत्पाद या सेवा को जो कस्टमर है या उपभोक्ता है वो सबसे ज़्यादा खरीदे और इस्तेमाल करें। इसके लिए वे अलग-अलग उपाय करते हैं। अभी कौन-कौन से हो सकते हैं? अब क्योंकि मार्केट में गल्ला काट प्रतियोगिता है तो इसमें कई उपाय हो सकते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज देना, कई प्रकार के छूट देना, अपने उत्पाद को दूसरे उत्पाद की अपेक्षा सर्वोत्तम बताना, जो कि बहुत ही खराब होता है एक व्यवसायी के लिए। एक अच्छे व्यवसायी को यह एक उसका एथिकल मतलब मौलिक कार्य यह होना चाहिए कि वो अपने उत्पाद की अच्छाइयाँ तो बताएं, लेकिन वो कंपैरिजन जो करता है कि मेरा उत्पाद दूसरे उत्पाद से इस तरीके से बेहतर है, ये ठीक है, पर वो उत्पाद इन कारणों से खराब है या उसका इस्तेमाल ना करे, इस तरह के जो अवांछित या गलत स्टेटमेंट जो आते हैं, जो व्यवसायियों के बीच जो अच्छा रिलेशनशिप या टर्म बोल सकते हैं हम, बॉन्डिंग बोल सकते हैं, या उनके बीच में जो अच्छे संबंध हैं उनको बनाए रखने में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है व्यवसाय का या व्यवसायी का, कि वो इस तरीके से निर्णय ले अपने वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, कि वो इस तरह के अलग अलग उपायों को इस्तेमाल ना करें, वांछित उपायों को ही इस्तेमाल करें। मतलब एथिकल, जो मौलिक चीज़ें हो सकती है, जो मौलिक तरीके से कार्य कर सकता है, उन कारकों को ही इस्तेमाल करें और अपने व्यवसाय की उन्नति करें। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु कहता है कि विश्व या सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायित्व। अब विश्व और सामान्य जनता के प्रति किस प्रकार के उत्तरदायित्व हो सकते हैं? जैसे कि माल की अच्छी क्वालिटी कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, अगर उचित क्वालिटी का माल या सर्विस हम अगर उपभोक्ता तक एज ए व्यवसायी नहीं पहुंचाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके साथ हम गलत कर रहे हैं। तो हमारे एज ए व्यवसायी या एक व्यवसायी के तौर पर यह हमारा एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। दूसरा ये कि मूल्यों को अधिक न करना, है ना, कि मार्केट में उसका वैल्यू अलग है, हम दूसरे अधिक उसकी वैल्यू को बढ़ा करके बेच रहे हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। तो ऐसा नहीं, आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या उत्पाद की जो क्वालिटी है उसमें उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कस्टमर तक या उपभोक्ता तक उसको उसी रूप में पहुंचाना, और दूसरी चीज़ उतना ही मूल्य लेना जितना उसके लिए उचित हो और आपको उचित लाभ भी मिले, है ना। और माप तौल में कमी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो अगर हम विश्व, इसमें एक पॉइंट है, तो विश्व रूप में देखें तो विश्व बाजार में जो किस्में चल रही हैं और जो मूल्य चल रहे हैं उनको फॉलो करते रहना, उनसे अधिक नहीं होने देना, और विश्व व्यवसायी जो नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करना या उनको मानना। तो इस तरीके से हम इस बिंदु को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो है विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसको जाना है और समझा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण क्या है। हमने अभी तक व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि व्यवसाय क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि वातावरण संरक्षण क्या होता है या इसका अर्थ क्या है। बच्चों देखिए, वातावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि ऑक्सीजन हमको चाहिए, ठीक है, शुद्ध वायु हमको चाहिए, शुद्ध जल हमको पीने के लिए चाहिए, ठीक है, शुद्ध वातावरण हमको जीवन अच्छा जीने के लिए चाहिए,
और साथ साथ एक अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि हम उसमें अच्छी फसल उगा सकें, ठीक है। उसके अलावा हमें ऐसी सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि हम बात करें हमारे वातावरण में अगर बहुत शोर होगा, ठीक है, तो ये भी हम उसको बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो वातावरण संरक्षण का अर्थ है जो इस प्रकार के, जिसे मैंने बात की, अलग अलग जो प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, जल प्रदूषण, उसके अलावा जिसे हम एक नॉइस पोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण हिंदी में कहते हैं, इस तरह के विभिन्न प्रदूषणों से अपने वातावरण को संरक्षण देना या उसको संरक्षित करना ही वातावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अब वातावरण को व्यवसाय से खतरा, किस तरीके से व्यवसाय से खतरा है? अलग अलग तरीक़ों से खतरा है। अब देखिए, अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं निकलता है, इससे वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना वेस्ट, है ना, जो अपना वेस्ट जो है वो नदियों में बहा देते हैं, उससे जल प्रदूषण होता है। बहुत सारा कचरा जो है वो एक इकट्ठा करके किसी भूमि स्थल पर डंप कर देते हैं, जो कि सॉइल में या मिट्टी में मिश्रित नहीं हो सकता, तो ये क्या होता है, इससे भूमि प्रदूषण होता है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है या व्यवसाय है जो कि बहुत आवाज़ करते हैं, या जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें चलती रहती हैं जिससे बहुत आवाज़ें होती है, तो इस प्रकार से ध्वनि पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण होता है, हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वातावरण जो है व्यवसाय के कारण या व्यवसाय की वजह से वातावरण को खतरा हो रहा है। आइए हम इन कुछ बिंदुओं को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे। अभी जैसे मैंने आपसे एकदम शॉर्ट में चर्चा करी इसके बारे में, थोड़ा विस्तृत आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हमारा अगला बिंदु है, वो है व्यावसायिक प्रदूषण के प्रकार। तो इसमें हम पहले बिंदु की ओर चलेंगे और देखते हैं कि पहला बिंदु क्या है। पहला है वायु प्रदूषण। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत काला धुआं निकल रहा है। साथ ही साथ आप एक अगले पिक्चर में देखते हैं कि कुछ चिमनियों से रसायन निकल रहा है। तो ये जो चिमनियाँ जो काला धुआं या इन रसायन को रिलीज़ कर रही है या छोड़ रही है बाहर, ये कहाँ आके मिल रहा है? हमारे वायु से घुल मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है। एक मानव ऑक्सीजन का इंटेक करता है, लेता है श्वास लेने के लिए, लेकिन यही ऑक्सीजन अगर प्रदूषित हो जाए तो उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस होने लगती है, है ना। तो वायु प्रदूषण को हम इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब चिमनियाँ जो हैं या इंडस्ट्रीज़ में जो चिमनियाँ हैं वो बहुत काले धुएँ या प्रदूषित धुओं को बाहर निकालती है, साथ ही साथ वो रसायन को जब रिलीज़ करती है वो वायु में घुल मिल जाता है, जिस वजह से वायु प्रदूषित हो जाती है। और उस इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास की जनता को आप देख सकते हैं, दमे का प्रॉब्लम हो सकता है या अलग अलग प्रकार के डिसीजेस इस वायु प्रदूषण से के कारण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रदूषण है उसको देखते हैं, जो है जल प्रदूषण। जैसे कि मैंने आपसे चर्चा करी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जो अपना जो वेस्ट है वो क्या करते हैं, जल में प्रवाहित कर देते हैं, है ना। वेस्ट मतलब क्या होता है, कचरा। अब अगर ये कचरा बह के चला जाए, ठीक है, या एक लिमिटेड मात्रा में हो, तो क्या होता है, वो चल जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे व्यवसायीकरण होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ती चली जा रही है, तो उस वजह से क्या होता है, नदियों का जो शुद्ध जल है अगर उसमें ये वेस्ट मिलते जा रहा है, जिस वजह से वो जल क्या है, प्रदूषित हो जा रहा है। और इन जल के प्रदूषित होने के कारण वो पीने लायक नहीं रह जाता। तो जो आबादी उस एरिया के, कह सकते हैं, आस पास रहती है, अगर उस अशुद्ध जल को उपयोग में लाएगी, तो ये होना ही है कि
उनका स्वास्थ्य खराब होगा, है ना बच्चों। तो ये है एक जल प्रदूषण का उदाहरण। आप एक और अच्छा उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके पास बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होने की वजह से, जहाँ से हम फिश पकड़ते थे, हम मछलियाँ पालन करते थे, वहाँ मछलियों की संख्या में कमी आई है। वहाँ मछलियाँ पालन बंद कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जल जो है वो प्रदूषित हो चुका है, और इस वजह से वहाँ मछलियाँ नहीं हम उत्पन्न कर पा रहे हैं, या वहाँ से मछलियों का व्यवसाय हम नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने सुना होगा तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ का जल अशुद्ध होने के कारण वहाँ कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है, उस जल को उपयोग में लाने के कारण। हम उस जल को किस तरीके से यूज करते हैं? क्योंकि नदी में जो प्रवाहित जल है, जो उसके आसपास के एरिया में स्थित लोग हैं वो भर कर लाते, हो सकता है उसको खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, पीने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अब वो किस तरह के डिसीज़ हमारे बॉडी में डाल सकता है? देखिए, अगर अगर हम उसको खाने में या पानी के थ्रू अंदर लेते हैं तो टॉक्सिक यानी विषैला हो सकता है, ठीक है। अगर हम उससे धुले कपड़े पहनते हैं तो हो सकता है हमारे स्किन में रैशेज आ जाए या हमको स्किन इन्फेक्शन हो जाए। तो ये अलग अलग तरीके के खतरे जो है हमको अस्वस्थ कर सकते हैं इस प्रकार के जल प्रदूषण के कारण। जैसे कि आप स्क्रीन में डिटेल्स देखते जा रहे हैं, और बच्चों इन डिटेल्स के साथ साथ जो मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की ओर। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? हाँ, कभी सोचा है आपने? जब बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बजता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से फटाके फूटते हैं, तब क्या होता है? आप लोग सब इस तरीके से कर लेते हैं, है ना? या आधी रात को कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बजाने लगे जब आप सो रहे हों, या बहुत ज़ोर ज़ोर से फटाके फोड़ने लगे, तब भी क्या होता है? क्योंकि वो एकदम शांत माहौल रहता है, उस समय बहुत ध्वनि की आवाज़ आती है, तो उस समय क्या बोलते हैं? अरे कितना शोर कर रहा है ना? तो शोर कर रहा है मतलब वहाँ क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। कि आपने सुना होगा कि लाउड स्पीकर में जोर जोर गाना बजाने लगते हैं या कोई संदेश देने लगते हैं, तो इस स्थिति में भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। सब्जी मार्केट में भी देखते होंगे आप लोग कि चोंगा लेकर के जोर जोर अपने फलों की सब्जियों की सेलिंग करते हैं वो लोग, 10 रुपये का मान लीजिए, 5 रुपये का मान लीजिए। अगर वही स्पीकर में लेके बोलेंगे, माइक लेके बोलेंगे, तो आवाज़ कितनी तेज़ हो जाती है ना, तो ये सब ध्वनि प्रदूषण है। लेकिन अब हम इसको व्यवसाय से जोड़े, अभी छोटे व्यवसाय से मैंने जोड़ा और छोटे छोटे उदाहरण लिए, आइए हम इसको एक बड़े व्यवसाय से जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कारखानों की बात करें, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं, अब यहाँ पर उनका साउंड, तो उनकी ध्वनि इतनी तेज़ होती है कई बार कि उस वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है ना। तो जब भी आप ने ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब भी इस तरह के प्रदूषण होते हैं, थोड़ी देर में आप इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब चिड़चिड़ापन सा हो जाता है ना। तो सोचिए जो मजदूर वो वहाँ कई साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ कैसा होता होगा। एक तो उनकी श्रवण शक्ति में सबसे पहले समस्या आती होगी, दूसरी चीज क्या होता होगा, उनका मेंटल स्टेटस है ना, हमेशा इरिटेटेड फील करते होंगे, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत चिड़चिड़ा सा लगता होगा उनको। मेंटल पीस मतलब मानसिक शांति की ज़रूरत होती होगी, क्योंकि लंबे समय तक इतने ध्वनि प्रदूषण में काम करने से उनको एक अलग से चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। तो बच्चों यही है ध्वनि प्रदूषण, और ये कुछ उसके कुप्रभाव है। आगे अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, अगला बिंदु देखते हैं कि अगला बिंदु क्या है। अब देखिए हम बात करते हैं भूमि प्रदूषण की। आपने देखा होगा पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगी हुई है, ठीक है। अब पॉलीथीन के उपयोग पर रोक क्यों लगी है? क्योंकि वो सॉइल यानी मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होता, और वो क्या करता है, भूमि को बंजर बना रहा है। तो पॉलीथीन के अलावा भी ऐसे कई उत्पाद हैं जो कि इंडस्ट्रीज से या कारखानों से एज अ वेस्ट निकलते हैं, है ना, और वो अगर भूमि पर एज इट इज छोड़ दिया जाए तो वो क्या करते हैं, भूमि की उपजाऊ क्षमता को कम कर देते हैं। अब कारखाने से निकलने वाला कचरा कोई इतना सा तो होगा नहीं, है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मतलब अब उस कारखाने के कचरे को रखने के लिए कितने बड़े लैंड की या भूमि की आवश्यकता है, सोचिए। अब ये इतना सारा कचरा इसमें डंप कर दिया गया है,
तो क्या ये भूमि आगे उपयोग में आ सकती है? मान लीजिए इस कचरे को हमने रिसाइकिल करने का सोच लिया, ठीक है, दोबारा, लेकिन जब तक ये कचरा यहाँ पर है, क्या हम उसके बाद जब रिसाइकिल करने के लिए कचरा हटाया जाएगा, क्या ये भूमि उपजाऊ रहेगी? नहीं। इसमें से कई वेस्ट ऐसे हैं, वेस्ट मटेरियल ऐसे हैं जो कि इस भूमि की उपजाऊ क्षमता को कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो भूमि प्रदूषण ये है। इसके बाद आता है रासायनिक प्रदूषण। जैसे कि मैंने वायु प्रदूषण में भी आपको बताया कि चिमनियों से निकलने वाले रसायन है ना, साथ ही साथ नलियों से भी क्या होता है, रसायन को रिलीज किया जाता है। ये रसायन क्या होता है, भूमि में छोड़ा जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे भूमि में अगर छोड़ा गया है तो भूमि बंजर होने लग जाती है। अगर जल में छोड़ा जा रहा है रसायन तो जल विषैला होने लग जाता है, और अगर वायु में उस रसायन को छोड़ा जा रहा है तो वायु प्रदूषण होने लग जाता है। मतलब कुल मिलाकर के इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आसपास रहने वाले मानवों के जीवन पर आप देख सकते हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि इन प्रदूषणों के कारण हम व्यवसाय करना बंद कर दें। व्यवसाय करें, लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में करें, है ना। जो वेस्ट निकल रहा है हम उसको प्रॉपर वे में कहीं ऐसी जगह संग्रहित करें या किसी ऐसी जगह डिस्चार्ज करें जहां उसका कोई यूज़ नहीं है, या वहां आसपास मानव न रहता हो जिसके ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स दिखे, या उसको अलग अलग प्रकार की शारीरिक विषमताओं को झेलना पड़े, या उसका स्वास्थ्य खराब हो। तो बच्चों ये है व्यावसायिक प्रदूषण के प्रकार। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर प्रभाव। अब पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। आइए देखते हैं वो प्रभाव क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो बिंदु है वो कहता है उत्पादन तथा उत्पादकता पर इसका कुप्रभाव। अब उत्पादन तथा उत्पादकता पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ सकता है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही आपने सोचा है कि अगर पर्यावरण में प्रदूषण रहेगा तो जो प्रोडक्ट है या उत्पाद है, सबसे पहले उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, दूसरी चीज़ जो क्वालिटी है उसकी निरंतर कम होती रहेगी, क्योंकि जो कच्चा माल है वो हमें प्रकृति से ही मिलता है ना। तो कुछ उत्पाद या ऐसे उत्पाद जिनका कच्चा माल हम प्रकृति से लेते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से उस उत्पादन की मात्रा में भी कमी आएगी और उसके उत्पादन की क्वालिटी में भी कमी आएगी। अगला बिंदु कहता है कि व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के मनोबल तथा नैतिकता में गिरावट। बिल्कुल, अब क्योंकि व्यापारियों को अच्छा व्यवसाय नहीं मिलेगा, उनका मनोबल निरंतर दिन पर दिन गिरता चला जाएगा। जैसे कि फॉर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आपका टेस्ट शेड्यूल है, आप अपने पढ़ाई की आपने पूरी कोशिश की कि आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, है ना, लेकिन क्या हुआ, टाइम की कमी के कारण या हो सकता है एग्ज़ाम में आपका कुछ थोड़ा सा भूल गया तो आप नहीं लिख पाए, तो थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो यही चीज़ होती है कि हम जब कोशिश करते हैं और रिज़ल्ट उस अनुरूप नहीं मिलता तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी हमारी जो मनोबल है वो गिर जाता है। तो अगर हम देखें तो अगर व्यवसायी कोई काम कर रहा है तो वो किसने कर रहा है, लाभार्जन के लिए कर रहा है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो अगर व्यापारियों या उद्योगपतियों को उनका रिजल्ट न मिले तो क्या होगा, उनका मनोबल और नैतिकता में निरंतर गिरावट आएगी। मनोबल में तो किस तरह गिरावट आएगी आपने समझ ली। अब नैतिकता क्या होती है, नैतिकता होती है किसी भी काम को ऑनेस्टली करना, सच्चाई से करना। फिर वो लोग क्या करेंगे कि अब प्रॉफिट ऐसे नहीं मिल रहा है तो दूसरे वे में करेंगे, प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब कर दो, आफ्टर सेल सर्विसेज देना बंद कर दीजिए, है ना। ऐसे कुछ कुछ अलग उपाय वो लोग ढूंढेंगे जिसमें कि उनको लाभ हो, ठीक है। तो इस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण से क्या होगा कि व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के मनोबल तथा नैतिकता में गिरावट आएगी। तीसरा बिंदु है कृषि विकास पर कुप्रभाव। अब
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एजेंसियां हैं, जिनके अनुरूप क्या है कि कृषि विकास पर इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ रहा है। भूमि पूरी तरीके से बंजर होती चली जा रही है। जिन भूमि पर एक अच्छा फसल बोया जाता था, एक अच्छी फसल आती थी, आज वो भूमि एकदम बंजर पड़ी है। किस वजह से? इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही। तो अगर हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे तो वो बंजर जमीन हो सकता है कुछ दिनों में उपयोगी भी हो जाए। जल्दी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ साल बाद वो फिर से उपयोग में आने लगे। और जो बाकी बची हुई भूमि है ना, जो अभी तक बंजर नहीं हुई है, वो बंजर होने से बच जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु देखते हैं कि व्यापार के विकास पर कुप्रभाव। अब जिस तरीके से पर्यावरण व्यवसाय को मदद करता है आगे बढ़ने में, है ना, बिजनेस कभी भी शुरू होता है कहाँ से? नेचर से। हमने नेचर से या पर्यावरण से, हम कैसे प्रकृति से बहुत कुछ लिया है ना, और उसी से हम शुरुआत करते हैं अपने व्यवसाय की, ठीक है। जब ये प्रकृति हमें मदद कर रही है ऊपर उठाने में, तो यही प्रकृति फिर क्या करती है, हमारे बिजनेस को और हमको नीचे गिरा देती है। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण था कोविड काल में। आपने देखा कि कोविड के पहले तक कितने लोगों के बिजनेस बूम पे थे, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। कोविड में कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों का बिजनेस बंद हो गया, और कई तो है जिन्होंने इतने बुरे दिन देखे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। वही कहने का मतलब है, जो पर्यावरण है वो अगर बहुत प्रदूषित होता है तो इस वजह से क्या होता है, व्यापार के विकास पर भी रोकथाम होने लगती है या किसी न किसी तरह का कुप्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु देखते हैं, वो है परिवहन के विकास पर बुरा प्रभाव। बिल्कुल सही बात है। अब परिवहन के विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़े। किस तरीके से? अगर मान लीजिए कि भूमि प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, और अलग अलग पर्यावरण के प्रदूषण हो रहे हैं, ठीक है। आपने ग्लोबल वार्मिंग सुना ही है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक। अब परिवहन, हम लोग क्या करते हैं, इस व्यवसाय को किस तरीके से, इस व्यवसाय में कौन कौन से परिवहन के माध्यम यूज़ करते हैं? भूमि में चलने वाले, मतलब हम क्या करते हैं, भूमि पर क्या क्या चलता है, बस, ट्रक, इस तरह के परिवहनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर जल में हम किस तरह के परिवहन, जहाज़ का, और फिर हम एयरवेज में कैसे करते हैं, हम एयरवेज के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का कार्य करते हैं। अगर सब ये प्रदूषित हो जाए, पर्यावरण अगर पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाए, तो परिवहन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। क्या होगा कि भूमि, अगर मान लीजिए भूमि में बहुत प्रदूषण बढ़ गया, और कभी देखते हैं आप पहाड़ गिर गया या रोड ब्लॉक हो गई, तो परिवहन वहाँ पे भी रुक जाता है। जल प्रदूषण, आपने देखा है कि जल की वजह से जो शिप वहाँ पे जा रही है, हो सकता है एयर पोल्यूशन वहाँ बहुत हो गया हो, तो वहाँ इतनी धुंध हो कि वहाँ कुछ दिख ही ना रहा है, तो वहाँ से जहाज कैसे जाएगा। वही सेम केस आप एयरवेज के साथ भी महसूस करते हैं सकते हैं कि बहुत सारे बादल आ गए हैं काले काले प्रदूषण की वजह से, खूब ऐसा मौसम हो गया है कि आगे बढ़ नहीं सकते हैं, है ना, और खूब कोहरा सा छा गया है, तो वहाँ पे जो वायु से होने वाला परिवहन है वो भी रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परिवहन के विकास पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ के देखते हैं कि अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु देखते हैं औद्योगिक विकास पर इसका कुप्रभाव। अब औद्योगिक विकास पर भी इसका कुप्रभाव होता है कि अब जब कस्टमर जो है उस तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, ठीक है, लेकिन परिवहन भी ठीक से नहीं चल रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सही नहीं है, है ना, तो उपभोक्ता आपकी वस्तु को क्यों कंज्यूम करेगा, क्यों लेगा? अगर उसको कोई बेटर प्रोडक्ट आपसे मिल रहा है कहीं और से, तो वो आपसे क्यों लेगा, सीधी सी बात है। तो इससे क्या होता है कि औद्योगिक विकास पर भी इसका कुप्रभाव दिखता है। अगला बिंदु देखते हैं श्रमिकों की कार्यकुशलता पर कुप्रभाव। अब श्रमिकों की कार्यकुशलता पर किस प्रकार का कुप्रभाव दिखता है, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में अगर लेबर्स के पास जाए या वहाँ पे जो कारखानों पर काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर जाकर दिखाएं, तो
जाकर देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो काम करने वाले श्रमिक हैं या लोग हैं, अगर वहाँ बहुत नॉइस हो रहा है या ध्वनि बहुत तेज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे जो श्रमिक है उनको थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम होगा, वो ऊँचा सुनने लग जाएंगे, उनकी एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी। दूसरा आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा वायु पोल्यूशन भी रहेगा, है ना, वायु प्रदूषण भी रहेगा, जिस वजह से उनको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती होगी, हो सकता है वो पंप वगैरह भी लेते हों, ठीक है, या कुछ आस्थमा के मरीज भी हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ श्रमिक ऐसे भी होंगे जो, जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की थी, कि इरिटेशन होता होगा, फ्रस्ट्रेशन होता होगा, चिड़चिड़ापन रहता होगा, उनको मानसिक शांति की आवश्यकता होती होगी, ये सारी चीज़ें होती होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक श्रमिक के शारीरिक विकास पर या उसकी कार्य पर जो है क्या करता है, एक कुप्रभाव देता है या एक गलत इम्पैक्ट देता है। अगले बिंदु की ओर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगला बिंदु क्या है। विकास की प्रक्रिया में गतिरोध, बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स हमने जो अभी तक डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं एक औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये सारे बिंदु ही अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो औद्योगिक का विकास कैसे पॉसिबल, उद्योग का विकास तो पॉसिबल नहीं। और विकास की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है ना, कोई भी प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप होती, तो वही विकास की प्रक्रिया जो है वो अपने आप रुक जाएगी, वहाँ पे विकास की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। अगला बिंदु कहता है उद्योगों के स्थानांतरण की समस्या, ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, क्योंकि अगर उद्योगों के स्थानांतरण की बात करें तो इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर फिर से इस्टेब्लिश करना, है ना, फिर से लगाना, फिर से नए श्रमिक ढूंढना, फिर से नया पूरा स्टाफ ढूंढना, बहुत एक क्रूशियल या कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। और हो सकता है जो कार्यकुशल श्रमिक पहले थे या लेबर्स पहले थे वो अब न मिले, है ना। तो ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, साथ ही साथ जो पहले उपलब्धता आसानी से हो जाती होगी, जैसे कि कच्चा माल की या अन्य जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है एक व्यवसाय को चलाने में, अब वो दूसरे स्थान पर ले जाने पर उतनी आसानी से उन वस्तुओं की उपलब्धता ना हो, तो ये सारी समस्याएं आती हैं अगर हम उद्योगों के स्थानांतरण की बात करें तो। अंतिम बिंदु कहता है कि और भी विविध विकास हैं, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या आएगी, ऊर्जा संकट आएगा, और भी है जैसे आर्थिक विकास की गति जो है वो थोड़ी रुक सी जाएगी, थम सी जाएगी, स्लो हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम कहें जो डिमांड एंड सप्लाई की बात है ना, जैसे हम कहते हैं उत्पाद की मांग व पूर्ति, है ना, तो उनके बीच जो सामंजस्य या संतुलन होना चाहिए वो नहीं रहेगा, या हम कह सकते हैं वो असंतुलित हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है और किन इन बिंदुओं के माध्यम से किस तरीके से जो है पर्यावरण प्रदूषण एक व्यवसाय को विकास करने से रोकता है, ये हमने अच्छे तरीके से जाना है और समझा है।